गया जिला के विभिन्न नगर परिषद एवं नगर पंचायत का चुनाव 18 दिसंबर को हुआ था, जिनकी मतगणना जारी है। गया कॉलेज में मतगणना स्थल बनाया गया है। सुबह 8 बजे से मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू की गई। मतगणना स्थल पर स्वयं जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM उपस्थित रहे। मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़ अपने अपने प्रत्याशियों के विजय के इंतजार करती रही। वजीरगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पर बलदेव दास विजयी घोषित किए गए। नगर परिषद बोध गया से मुख्य पार्षद अध्यक्ष पद से ललिता देवी और उप मुख्य पार्षद पद कौशमी देवी विजयी घोषित की गई। जो हमें वोट देकर विजय बनाए हैं, कैसा फील कर रहे हैं जनता? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जनता के प्रति। क्या लग रहा है कि जनता ने इतना बड़ा हमको पद दिए? जी जी जी, और कल्याण भी करेंगे। जी जी जी, जरूर करेंगे। जो वादा किए थे चुनाव के समय में वो पूरा एकदम पूरा करेंगे, तन मन से पूरा करेंगे। जितेंद्र कुमार यादव, नगर परिषद बोध गया। जनता के सबसे बधाई कराए, धन्यवाद करते हैं। रिजल्ट हुआ जिसमें हम लोग जीत हासिल की। अभी सारे नगर पंचायत में एकदम खुशी का माहौल है कि ऐसा व्यक्ति जीता है इसमें सब लोग को लग रहा है कि हम बुरा क्या बुरा सम्मान करेगा वो व्यक्ति। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ, सब लोग हमको मदद किए, समूचे नगर पंचायत से हमारी जीत हुई। और मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा, नगरवासियों से, कि कृपया शांति से विकास की ओर मदद करें, विकास में मदद का भाव रखें। का भाव जिला मत ये मिला 354 मत से विजयी प्राप्त हुए। पहले बोध गया नगर परिषद जो बना है नया से, उस सारे जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि जितेंद्र यादव के नेतृत्व में बोध गया की धरती से श्रीमती कौशमी देवी को विश्वास मत अपना देकर भारी मत उसमें इतिहास रच दिया है, जो अभी तक नगर पंचायत और नगर परिषद में इतना रिकॉर्ड मत से कोई कैंडिडेट नहीं जीता है। उसका लगता है कि विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा चुनाव हुआ है। मतदाता का रुझान इतना ज़्यादा हो गया है कि कौशमी देवी को लगता है गली गली चार चांद लगा देंगे। जनता तो इतिहास रच दिया, अब बोध गया में और जनप्रतिनिधि के अलावा भी इतिहास रचाएगा क्या विकास के मुद्दे में? विकास के मुद्दे में पूरे इंडिया ही में नहीं, विदेश तक यहाँ से मैसेज आता है और कौशमी देवी विदेश तक ला मैसेज भेजाने का काम करेंगे। इनके नेतृत्व में अभी बिहार सरकार, हमारे नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन महिला को आरक्षण देकर इनको सीट पर बैठाया गया। उम्मीद भी नहीं था, हम लोग विश्वास भी नहीं करते थे कि उनके मतलब नेतृत्व में, सरकार का नेतृत्व में जो सीट लागू हुआ है उस पर कौशमी देवी अपने मंच से जमीन पर जाके जमीन कार्यकर्ताओं से संपर्क करके लगातार अभियान में रहे और उनसे मत लेकर विजय हासिल आज किए हैं।